हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, हम आज इस वीडियो के अंदर ब्लैक एंड रेड इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटरूम ऐप की मदद से करने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले आपको लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। सो गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड इसको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें ऑल फोटो पे आ जाना है एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, हम कर लेते हैं सबसे पहले अपनी फोटो के अंदर लाइटिंग को एडजस्ट। ठीक है, तो हमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसके कंट्रास्ट है इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा डाउन कर लेते हैं। एंड हाईलाइट का इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड इसके बाद में शेडो इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, तो हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर है वाइट, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, उसके बाद है ब्लैक्स, इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, तो हम इसको इतना कर लेते हैं। तो गाइज, यार लाइटिंग है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमें अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो हमें जाना है कलर वाले ऑप्शन पे एंड हमें जाना है मिक्स वाले टूल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड फर्स्ट वाले कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, इसकी ह्यू है इसको हमें डाउन करना है। ठीक है, हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड इसके बाद सैचुरेशन है इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है, इससे हमारे फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वाले हमें ऑरेंज कलर पे आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड गाइज, इसकी ह्यू है इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। ठीक है, हल्का सा इंक्रीज करना है, हमारे फेस के ऊपर इफेक्ट होता है इससे भी। एंड गाइज, इसकी सैचुरेशन है इसको भी हमें डाउन करना है। ठीक है, तो हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ल्यूमिनेंस को हम इंक्रीज कर लेते हैं। सो गाइज, हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर हमें येलो पे आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड इसकी ह्यू है इसको बिल्कुल -100 कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली -100 कर लेते हैं। एंड इसके बाद सैचुरेशन का इसको हमें फुल 100 कर लेना है। ठीक है, फुल कर लेना है इसको, तो हम इसको फुल कर लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस है इसको हमें हल्का सा डाउन करना है, तो हम सिंपली इसको इतना कर लेते हैं। गाइज, हमें नेक्स्ट वाली कलर हमें ग्रीन पे आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इसकी ह्यू है इसको बिल्कुल डाउन कर लेना है। ठीक है, -100 कर लेना है। एंड इसकी सैचुरेशन है इसको हमें फुल कर लेना है। ठीक है, फुल 100 कर लेना है। रे ल्यूमिनेंस है इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको हम हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर नेक्स्ट वाले कलर हमें एक्वा पे जाना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड इसकी ह्यू है बिल्कुल हमें डाउन कर लेना है। एंड फिर नेक्स्ट हमें ब्लू कलर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है हुई इसको बिल्कुल डाउन कर लेना है -100। एंड सैचुरेशन इसको भी हमें -100 कर लेना है। ठीक है, एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हल्का सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो हमारी क्लोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो जाती है इससे, तो हम इतना कर लेते हैं। एंड फिर हमें सिंपली डन कर लेना है। ठीक है, एंड गाइज, इसके टेम्परेचर है इसको हम डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपनी फोटो के हिसाब से डाउन कर लेते हैं, तो हम सिंपली इसको इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, उसके बाद में है वाइब्रेंस, इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हम इसको हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं। सो गाइज, हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एंड सैचुरेशन इसको भी हमें हल्का से डाउन करना है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें बैक आ जाना है। ठीक है, अब हमें जाना है प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि हमें अपना रेड कलर रेड टोन लाना है, तो हम यहाँ पर प्रोफाइल पर चलते हैं एंड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, हमें जाना है आर्टिकल 3 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हमें इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, हमें इतना इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें सिंपली राइट डन कर लेना है। अब हमें अपनी फोटो के अंदर इफेक्ट डालना है, तो हमें जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड गाइस, क्लैरिटी है इसको हल्का सा हमें इंप्रूव करना है। ठीक है, हल्का सा इंप्रूव करना है। एंड गाइस, इसके बाद में है डेज, इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। ठीक है, हल्का सा हमें इसको इंक्रीज कर लेते हैं। एंड विग्नेट इसको हमें डाउन करना है। ठीक है, तो इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें डिटेल्स के ऊपर जाना है, अपनी फोटो को स्मूथ बनाना है। ठीक है, तो शार्पनिंग है इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो हम इसको सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड डिटेल्स है इसको हमें और इंक्रीज करना है, तो इसको हम फुली कर लेते हैं। ठीक है, एंड गाइज, उसके बाद नॉइज रिडक्शन इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है। ठीक है, फिर नॉइज रिडक्शन इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है और इसके स्मूथनेस को हमें फुल करना है और डिटेल्स को हमें फुल करना है। ठीक है, हमारी फोटो इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो गाइज, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, यार मेरी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। गाइज, इस फोटो एडिटिंग के प्रीसेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, अब हमें सिंपली इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमें जाना है सेव वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेव टू डेस्क पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं।